हाँ नमस्कार, आपका जो अभी जो वायरल हो रहा है, एक लड़का है जो यूट्यूबर है, नाम मैं नहीं कहूँगा, कोई पारस है बोलता है, पंजाब का है, क्या पंजाब का रहने वाला है कहता है। तो उनका जो कहना है कि मैं जो अभी का जो लेटेस्ट जो पबजी का जो एक उसका रिप्लिका अभी वो अभी लॉन्च करने वाले हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बोल के, तो इसके ख़िलाफ़ मैंने प्रधानमंत्री को लिखा था चिट्ठी। वो इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें जो क्राफ्टन है ये एक कोरियन कंपनी है, ठीक है, और जो टेंसेंट जो है ये इट वाज चाइनीज़ कंपनी, और ये चाइनीज़ कंपनी जो है ये पहले भी पबजी को इसको चलाया था। ये इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ ख़ासतौर अरुणाचल प्रदेश में और जो पूर्वोत्तर राज्यों के जो बच्चे हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, वो बहुत ही नादान हैं, तो उनका इसका क्या इफ़ेक्ट होता उनको पता नहीं है। जैसे पहले ब्लू व्हेल को बैन किया गया था, वैसे जितने भी 69 ऐप्स जो मैंने पहले भी प्रधानमंत्री को लिखा था, तो इसमें यही बात थी कि मैं इसको एक रिक्वेस्ट है, गुंजाइश है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ के बच्चों को जो पबजी का जो ये गेम है ये उन लोगों को डाइवर्ट कर देता है, एडिक्टेड कर देते हैं, और इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रग। एक बार आप एडिक्टेड होने के बाद रात भर नहीं सोते हैं, पढ़ाई भूल जाते हैं, तो इसलिए हम इसका खिलाफ़ है और हम कंप्लेंट किए थे। उनका जो लड़का का पारस का जो हमारा खिलाफ़ वो बोल रहे हैं वो ठीक है, इफ़ इट्स एन इंडिविजुअल लेवल आई डोंट माइंड, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पूरा अरुणाचल को उन्होंने लिखा, हमको चिंकी आइस कहते हैं, हमको चिंकी बोलते हैं, हमको एक चीनी कहते हैं, ये एक बहुत गलत मैसेज गया हुआ है थ्रू आउट द कंट्री। मैं जानता हूँ चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे केरल में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, पूरा जो सिर्फ पूरा भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व में हमारे बच्चे सब बाहर भी पढ़ते हैं, और हम जब जाते हैं हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। और इसमें जब आप जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये चीन का चीन जैसा लगते हैं, भारतीय जैसे भी नहीं दिखते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा यहाँ मैरीकॉम है, हमारा युवा और खेल मंत्री हमारा किरेन रिजिजू जी हैं, क्या वो अपना जो इतिहास या भूगोल को नहीं पढ़ते हैं? तो एक गलत मैसेज गया हुआ है, पूरा अरुणाचल के लोगों को चोट पहुँचाया है इन्होंने, तो इसलिए मैं तो बहुत इनफैक्ट दुखित हूँ, और मैं तो किसका खिलाफ मैं केस देने जा रहा हूँ, मैं केस दर्ज करूँगा। वो तो छोटा सा बच्चा है, शायद उनको जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी भविष्य में ताकि हमारा यहाँ अरुणाचल या पूर्व उत्तर के लोगों को हमको चीनी या हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन जो होती है इसको पूरा इंडिया में सारा भारत में हमारा जो सेंटिमेंट्स है उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमारा अभी भी पिछले बार जम्मू एंड कश्मीर में हमारे यहाँ के जवान गए थे, वहाँ में वो अपना कुर्बानी दी, और इनफैक्ट अशोक चक्र से भी उनको ऑनर किया गया। तो इन सब को देखने से हमको भी बहुत दुख लगता है कि हमारा वहाँ अपने जो भाई है या हमारे बच्चे हैं, कि अरुणाचल प्रदेश और जितने भी पूर्वोत्तर के राज्यों के बच्चों को जिस तरह से व्यवहार करते हैं, तो ये बहुत निंदनीय है, और हम इसको पूरा इसके खिलाफ़ हम जाएंगे, और इसका केस तो हम दर्ज करेंगे। सरकार कैसा करेगा या कोर्ट क्या कैसा इसका निर्णय लेती है वो भविष्य में बताएंगे। धन्यवाद। News12 যাত্রা আমার অবিরত, সংকল্প অপ্রতিরোধ। Your child deserves the best education. At Rongkang Tin English School, we provide small class sizes with group of well-trained teachers. Excellent result in HSLC with 100% track record.
well-furnished infrastructure with a spacious and green playground. Co-curricular activities like computer, dance, singing, and art classes. Innovative and playway method of teaching, conducting various competitions to inculcate in children a seeking spirit. Diverse and creative pedagogy for students. Comprehensive teaching and mentoring for all-round development. Special attention to slow learners. Hurry up. Admission going on for session 2021-22. For enrollment, please visit school office at Rongkangtir English School near Blockfield, Ward No. 1, Bokajan, Karbi Anglong, Assam.